ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे 21/9/2023 के। मीठे बच्चे जब तक आत्मा में पार्ट हैं तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहां कोई पार्ट नहीं। प्रश्न है मुरली का, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? उत्तर है, फर्स्ट नंबर बाबा ने बताया, उन्हें पढ़ाई को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते यह संकल्प आना भी विकल्प है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही गंवा देते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। मुरली का सार है धारणा के लिए, कंप्लीट दानी बनना है, सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है, जीते जी ट्रस्टी बनना है, कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है, कभी भी श्रीमत से रूठ मन मत पर नहीं चलना है। वरदान मुरली का, कम्बाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। कम्बाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। इसका विस्तार है, स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कम्बाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ यह नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। स्लोगन है, कर्म योगी बनना है तो कमल आसन धारी बनो। ओम शांति।